संस्थान माध्यमिक विद्यालय का प्रधान अध्यापक होने के नाते आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और बच्चों का मान बढ़ाया। जैसा कि विदित है कि कक्षा 8 के अंदर हमारे पिछले साल में 15 बच्चे थे, उनमें से तीन लड़कियां एपीएस ग्रेड लेकर के आई, 9 लड़के एक ग्रेड प्राप्त करके यानी 90 से 90 के बीच में पढ़े। 10 के अंदर हमारे केवल 5 बच्चे थे, उनमें से एक लड़की ने 76% प्राप्त किए थे। अगर इस गांव का साथ रहेगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल प्रगति करेगा, अपने गौरव स्थापित करेगा। ये विद्यालय आपका अपना विद्यालय है, संपूर्ण गांव का विद्यालय है, क्योंकि यहाँ सभी कौम के सभी जाति के बच्चे अध्ययन करते हैं। ये एक विद्यालय परिवार के समान है। लेकिन पिछली बार कुछ घटना हो गई थी, यहाँ लगभग 25,000 या 30,000 रुपये का नुकसान हो गया। 5 या 10 पंखे तोड़ दिए गए थे, हेडपम्प था तोड़ दिया गया, 5-7 कुर्सी तोड़ दी गई थी, लेकिन फिर भी गांव वालों ने देखा, उनको रोका नहीं, ने कुछ खा उनको, और जब वो चले गए उसके बाद उन्होंने कहा फिर हम किसका दें, किसका नाम लें। अगर गांव के बीच में ऐसी घटना हो जाती है तो भाई देखो, ये विद्यालय है, इसका जो नुकसान हुआ था मैंने शून्य बयान किया था, किसी ने कहा ये करो वह करो नहीं, अगर केस करना था तो कभी कर देते। हाँ, कुछ नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट से हमें सहायता जरूर मिल जाती थी, 25,000 के 50,000 रुपये मिल जाते थे अनुदान के रूप में, लेकिन नहीं, ये आपका अपना विद्यालय है, ये नुकसान आप स्वयं का कर रहे हो, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप सहयोग करोगे, कदम से कदम मिला करके साथ चलोगे तो निश्चित रूप से ये विद्यालय नई ऊंचाइयों को छोड़ेगा। थैंक यू।